मैं दिख रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? Which one of the following have the highest number of species in nature? Angiosperms, fungi, insects or birds? बताइए। Which one of the following have the highest number of species in nature? Angiosperms, fungi, insects or birds? 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। अमित राजपूत, रॉयल जाट, प्रीति गौतम, मनीषा, गुड इवनिंग, अमित राजपूत, रोहिणी, अंशु, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, जवाब देते चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर? एंजियोस्पर्म्स, फंगी, इंसेक्ट्स और बर्ड्स? द करेक्ट ऑप्शन इज इंसेक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट्स इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा प्रजाति अगर हम प्रकृति में देखें तो ये कीड़ों का है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज करेक्ट? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IPCC, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल पॉलिसी, EPA, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? आयुषी सर, हाउ आर यू नाउ? रिकवरिंग। ऑफिशियली आई एम ऑन लीव, आज भी और कल भी था, बट आई एम रिकवरिंग। पहले से बहुत ज्यादा बेटर हूँ, सुबह से कंपैरेटिवली अभी मैं ज्यादा सही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट की नोटिफिकेशन आई थी, शाम 4 बजे से उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसकी नोटिफिकेशन पे भी मैंने एक शो करा है थोड़ी देर पहले एट 5:45। You can go and check it out. If any known of you want to apply for that, they can start filling the forms. And aapke HTET ke liye ye mujhe 20 paper karane hain, to isliye main fir se live hu. Haan ji. Question number 2 ka sahi jawab hai option number 1. IUCN ka full form hota hai International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Option number A becomes the correct option. Agla sawal, question number 3. What is question number 3? Question number 3 comes on the screen. Which one of the following shows maximum genetic diversity in India? Inme se kaun sabse zyada anuvanshik diversity is like विकसित होना है ना, समझ रहे हो ना, किसी एक प्रजाति का विकसित होना इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो इनमें से वो कौन सी प्रजाति है जो जेनेटिक टर्म्स पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा विकसित है? इज इट मैंगो, कोकोनट, राइस और मेज? ए, बी, सी या डी? हाँ जी, डू लाइक एंड शेयर द सेशन और सारे लोग पार्टिसिपेट करें। अब इसमें आगे पीछे नहीं रहना है, और रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे फिर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइस की सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, मैंगो की नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द रीजन, species endemic to the region, endangered species found in the region, or the diversity in the organisms living in the region? Biodiversity of a geographical region represents what? The genetic diversity present in the dominant species of the region, species endemic to the region, endangered species found in the region, or the diversity in the organisms living in the region? What will be the right answer? The question number 4. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। जब भी आप बायोडायवर्सिटी की बात करते हो तो बायोडायवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द डायवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, दैट इज बायोडायवर्सिटी। जैसे हमारी, आपकी, एशिया की, अंटार्कटिका की, सबकी अपनी एक बायोडायवर्सिटी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन रीजन इज नोन एज द रीजन्स बायोटा, द रीजन्स फ्लोरा, द रीजन्स फौना और द रीजन्स डायवर्सिटी? The total number of all species of organisms in a given region is known as the region's biota, flora, fauna or diversity. Your answers, I need the answers. Questions on ecology, you cannot miss it out. Total number of all species of organisms in a given region is known as the region's biota, flora, fauna or diversity. What would be the answer, guys? Question number 5. अमित राजपूत एंड कुटुन भट्ट, जवाब क्या होगा? 4 का डी सही था, 5 का जवाब बताइए। अमित, अंजलि, कुटुन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
देखो कौन कितनी तैयारी कर रहा है वो आप सवाल पूछने के 10 सेकंड्स में समझ में आ जा रहा है मुझे, है ना। तो आप लोग जवाब थोड़ी तेज देना स्टार्ट करेंगे, राइट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजंस आर प्रेजेंट इन इंडिया? 3, 4, 7 or 10? हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजंस आर प्रेजेंट इन इंडिया? इज इट 3, इज इट 4, इज इट 7 और इज इट 10? बताइए, हाउ मेनी biogeographical regions are present in India? 3, 4, 7 or 10? What is the answer? Deeksha, Jyoti, Manisha, keep answering. 10 seconds, not more than that. Kitne biogeographical regions present hai India mein? 3, 4, 7 ya 10? The correct answer will be option number 10, option number D, 10. 10 hai biodiversity, biogeographical regions. Amit ne 7 kaha, answer wrong hai 7 ka. मायूषी कह रही है सी 7, नो इट इज 10, द करेक्ट आंसर इज 10, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में देखा नहीं जाता? स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म, एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस और लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन? Question number 7, which one of the following is not observed in biodiversity hotspots? Species richness, endemism, accelerated species loss, lesser interspecific competition. What is the correct option to the question? Which one of the following is not observed in biodiversity hotspots? Biodiversity hotspots mein inme se kya dekha nahi jata? Species ki richness, endemism, endemism matlab phailao within a proper region, accelerated species loss, kisi prajati ka tezi se hanan hona, lesser interspecific competition aur aapas mein kisi ek prajati ka competition ka kam hona. What is the correct answer? The correct answer is obviously option number D. Which one of the following is not observed in biodiversity hotspot? That is lesser interspecific competition. Competition to karna hi padega kisi bhi prajati ko agar exist karna hai to, with the other species it is interacting with. The correct answer is option number D. 1 and 2 to compulsory hai. बिल्कुल बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही कहा, 1 and 2 कंपलसरी था। एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस भी हो जाती है ड्यू टू कंपटीशन, बट कभी लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होती है विद इन अ सर्टेन रीजन इफ दे आर डिपेंडेबल ऑन सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002 वॉज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील, स्वीडन और अर्जेंटीना? Your answers on the screen, guys. World Summit on Sustainable Development 2002 was held in South Africa, Brazil, Sweden or Argentina? Question number 8. It was held in World Summit on Sustainable Development 2002 was held in South Africa, Brazil, Sweden, Argentina. Ecology mein dates bahut important hote hain. तो डेट्स, प्रोटोकॉल्स जितने भी हुए हैं उन सब का ध्यान खासियां रखना है। द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2002 की वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका। अगले सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ डेजर्टिफिकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ डेजर्टिफिकेशन? ओवरग्रेजिंग, टूरिज्म, irrigated agriculture, yeah, all of these. Which of the following is the main factor of desertification? Overgrazing, desertification ka mukhya karan kya banta hai? Overgrazing, had se zyada jab janwar char jayen. Tourism, yatriyon ke aane jaane se faslon ki barbadi. Irrigated agriculture, lagatar irrigation hona. Aur ya fir sabhi karan ho sakte hain desertification ke. What should be the correct answer to question number 9? Anjali is saying 9 ka jawab D hai and iska jawab A is the right answer. The main factor of desertification is overgrazing. 9, Kutun kehti hai ki sir 9 ka all hona chahiye. Acha, tourism se desertification ho jati hai kya? Aur irrigation se desertification ho gaya kya? What is irrigation? Irrigation kya hai? What is irrigation? Irrigation is जहां सिंचाई हो रही है,
जहां सिंचाई हो रही होगी वहां कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, हो सकता है कि वाटर के एक्सेस में मर जाएं, बट 95% ऑफ द प्लांट स्पीशीज विल ग्रो विल फ्लरिश. कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां की वनस्पति अलग होती है, कहीं कम बारिश होती है तो वहां की वनस्पति कम कुछ और अलग तरीके की होती है, लेकिन वाटर के प्रेजेंस में वनस्पति फैलेगी. तो ऑप्शन नंबर 3 तो कहीं से नहीं हो सकता था. टूरिज्म में कई ऐसे देश हैं, शायद आप भारत के किसी हिस्से के हिसाब से सोच रहे हैं, तभी आपका ये जवाब गलत हुआ. टूरिज्म का क्या कश्मीर में टूरिज्म नहीं है? क्या वहां पे आपको वनस्पति और फूलों की बागियां नहीं नजर आती? तो क्या टूरिज्म के वजह से वो बर्बाद हो रहे हैं? नहीं. डेजर्टिफिकेशन सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है, एंड दैट इज ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ध्यान रखिएगा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, ये वो सवाल है जहां पे आप गलत कर रहे हो, और बड़े आसान आसान से सवाल है. क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट. टाइगर रिजर्व और उसके रेस्पेक्टेड स्टेट से आपको मैच करना है. मानस सेंचुरी, आसाम कॉर्बेट नेशनल सेंचुरी, दैट इज नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क आसाम, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश, बांदीपुर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, पल्लामू टाइगर रिजर्व इन ओरिसा. इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, क्योंकि 3 गलत है. सर आपका फिजिक्स का बैच, फिजिक्स का कंप्लीट बैच है कोई टीजीटी के लिए? अमित, फिजिक्स की तो कंप्लीट बैच थी जिसमें एक आधे टॉपिक बचे हुए हैं, वो आप कर सकते हो. अभी लेटेस्ट मेरा नहीं है, सोनू सर की फिजिक्स की बैच आपको मिल जाएगी. टीचिंग का महापैक है तो आपको उनकी बैच दिख रही होगी. क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? आयुषी कह रही है सी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज इन तमिलनाडु. No. Amit Rajput, you are right. Anjali, you are right. The correct answer is option number A. Manas Tiger Reserve is in Assam. Corbett, Bandipur and Palamu. Ye tino hi incorrect hain. Agla sawal, question number 10. Question number 10 to ho chuka, 11. Which of the following is the matching pair of sanctuary and its main protected wild animal? उसका मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल, और साथ ही साथ आप ये, आपको ये देखना है कि उसी जानवर के लिए वो सेंचुरी है. तो करेक्ट मैच आपको करना है काजीरंगा फॉर मस्क डियर, गीर फॉर लायन, सुंदरबन फॉर राइनो, या ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11, ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है ना. आई रेड इनकरेक्ट, ओके नॉट अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ अ सेंचुरी एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल? काजीरंगा, मस्क डियर, गीर लायन, सुंदरबन, राइनो, ऑल ऑफ दीज. पलामू इज इन झारखंड, यस पलामू इज इन झारखंड. कॉर्बेट भी आपकी इधर उत्तराखंड में हो जाएगी, है ना? बिल्कुल सही, गीर गुजरात इज अ नेशनल पार्क फॉर लायंस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट मैच. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर. कॉर्बेट पार्क फॉर एव्स, रन ऑफ कच्छ फॉर डियर टाइगर, गिर फॉरेस्ट फॉर राइनो, या काजीरंगा फॉर एलिफेंट. बताए. Do like and share the session, guys. I can see 53 people live in the session. लेकिन like नहीं कर रहे हो. एक बार like कर देंगे session को, और बताइए correctly matched pair इनमें से कौन है? Corbett Park for Aves, Run of Kutch for Tiger, Gir Forest for Rhino, या Kaziranga for Elephants. What will be the correct option? A, B, C or D? अमित राजपूत, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. इकोलॉजी में यही क्वेश्चन होते हैं ना, इकोलॉजी में तो यही क्वेश्चन होते हैं. टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, प्रोडक्टिविटी, अभी और भी आएंगे क्वेश्चंस, देखते जाओ. ये तो उन हिस्सों से पूछा गया है जहां पे फॉरेस्ट और उनकी इम्पोर्टेंस, टाइगर रिजर्व एंड देयर इम्पोर्टेंस, है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज, रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, सबके ऊपर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा फॉर. कर दिया है सर, ओके. अमित राजपूत का जवाब डी है, काजीरंगा, और आयुषी ने भी काजीरंगा बिल्कुल सही दिया है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना. करेक्टली मैच्ड पेयर इज काजीरंगा फॉर एलिफेंट्स, ठीक है. कॉर्बेट में शेर है, टाइगर है, रन ऑफ कच टाइगर, गीर फॉरेस्ट राइनो, नो रन ऑफ कच लायंस, इधर गीर फॉरेस्ट राइनो, ये भी गलत था, काजीरंगा फॉर एलिफेंट. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लैमिंगो.
जिसे हंसवार भी कहते हैं इन इंडिया, इज मोस्ट लाइकली फाउंड इन रन ऑफ कच्छ, सांबर लेक, घाना विहार या फिर चिल्का लेक. द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ हंसावर, ऑल्सो नोन एज फ्लामिंगो इन इंग्लिश, इज इन इंडिया इज नोन एज. CDS के लिए प्रिपेयर किया था EVS एंड इकोलॉजी, यस, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एचटेट टू. बताइए, द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लामिंगो हंसावर इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली रन ऑफ कच्छ, सांबर लेक, घाना विहार और चिल्का लेक. द करेक्ट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी. फ्लामिंगो का जो ब्रीडिंग प्लेस है वो है चिल्का लेक. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. वैसे इंडियन नेवी की जो ट्रेनिंग कमांड भी है वो चिल्का है. INS चिल्का इज वन ऑफ द प्रेस्टीजियस ट्रेनिंग कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी टू. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 14, इसका डी ही होगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. MAB स्टैंड्स फॉर मैमल्स एंड बायोस्फीयर, मैमल्स एंड बायोलॉजी प्रोग्राम, मैमल्स मैन एंड बायोलॉजी प्रोग्राम और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. MAB स्टैंड्स फॉर. क्वेश्चन नंबर 15, कम ऑन गाइज, डू लाइक एंड शेयर द सेशन. MAB स्टैंड्स फॉर Man and Biosphere Program, Man and Biology Program, Mammals and Biology Program, Mammals and Biosphere. Very easy question, repeated question. कई बार पूछा गया. Option number D is the right answer. Man and Biosphere Program is the correct abbreviation for this question. अगला सवाल, What is the major cause of diminishing wildlife number? Wildlife के तादाद में भारी गिरावट का कारण क्या है? Falling of trees, पेड़ बहुत गिर रहे हैं. Paucity of drinking water, जो पीने का पानी है वो कम हो रहा है. Cannibalism, मांस भक्षक जो जीव है एक दूसरे के ऊपर, जीवित जीवों को खा जाना, that is cannibalism. Habitat destruction या फिर आवास का जो हनन है वो दिन पर दिन बढ़ना. इनमें से कौन सा कारण है वाइल्ड लाइफ के हनन का? क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर गोज टू. 16 का जवाब चाहिए मुझे. सरु, प्रीति, अवत, नीलम, अंजलि, आयुषी, बेबी शर्मा. कीप ऑन आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड डू इवन लाइक दिस सेशन इफ यू हैवंट, एंड डू इवन शेयर द सेशन सो दैट वी कैन मेक दिस टेस्ट प्रिपरेशंस ऑफ 20 पेपर्स अ बेटर वन. हाँ जी, द करेक्ट ऑप्शन इज मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. कैनिबैलिज्म, पॉसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या फॉलिंग ऑफ ट्रीज इसका कारण नहीं है. ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. अगला सवाल, ये रिपीट हो गया है. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स. इनमें से कौन सी वो कम्युनिटी है जो ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब वल्नरेबल होने का मतलब कि ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अटैक्ड बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स. टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ओशियानिक आइलैंड कम्युनिटीज, मैंग्रोव्स या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. आपका जवाब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स. आर दे द टेम्परेट फॉरेस्ट्स, आर दे द ओशियानिक आइलैंड कम्युनिटीज, आर दे द मैंग्रोव रीजन्स और दे आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. व्हाट डू यू थिंक द करेक्ट ऑप्शन शुड बी? क्वेश्चन नंबर 18. रिंकी कुमारी, बहुत बढ़िया. ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर मच मोर प्रोन टू बी अटैक्ड बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन नंबर डी. सी नहीं था, डी वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19. विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ हायर डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स? आर दे डेसिडुअस, ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड्स और सवानास? NCERT का पहला टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस. वहां पे ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडुअस, मैंग्रोव्स, तुंद्रा, टाइगा, ये सारी चीजें आपको देखनी समझनी होगी. वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ हायर डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स? डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स या सवाना? सबसे ज्यादा जीवों की प्रजाति आपको किस हिस्से में दिखती है? ABC or D? एंड द करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन नंबर बी. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में सबसे ज्यादा जीवों की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है. ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन. अगला सवाल, वायबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी, हर्बेरियम या जीन पूल? वायबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी, हर्बेरियम या जीन पूल? क्या होगा जवाब? वायबल मटीरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय जीन बैंक,
जीन लाइब्रेरी, हर्बेरियम या जीन पूल। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी जो जीनोम है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उन्हें कहां रखते हैं, जीन बैंक में, जीन लाइब्रेरी में, हर्बेरियम में या जीन पूल में? द करेक्ट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन नंबर ए, जीन बैंक्स में उसे प्रिजर्व किया जाता है। बहुत बढ़िया, 20 का ए वाज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइजेस द हाई नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज की मात्रा कौन से ग्रुप में है? मैमल्स यानी स्तनधारियों के, फिशेज मछलियों के, रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों के, या फिर बर्ड्स पक्षियों के? Which group of vertebrates comprises the high number of endangered species? A, B, C or D? Come on, answer. Which group of vertebrates comprises the high number of endangered species? Mammals, fishes, reptiles or birds? सबसे ज्यादा endangered species आपको किस में दिखते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज सबसे ज्यादा किस में दिखते हैं? रोहिणी कह रही है सर रेप्टाइल, सरू चौधरी कह रही है बर्ड्स, डी। और देखते हैं कितने लोगों का जवाब है। ज्योति का कहना है ए मैमल्स, एंड द करेक्ट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए, मैमल्स सबसे ज्यादा आज के दिन में एंडेंजर्ड है। चीता, लायन, आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड अगर कोई है तो मैमल्स है। ऑप्शन नंबर ए वॉज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, इन योर ओपिनियन, आपके राय में, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया? किसी एक एरिया का के अंदर पौधे की जो प्रजातियां हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन पांच प्रजातियों को, इन पांच पौधों के प्रकारों को अगर हमें प्रिजर्व करना है किसी दिए गए एरिया में, तो आपके राय में कौन सा तरीका सही होगा? पहला बाय टिश्यू कल्चर मेथड, दूसरा बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा बाय क्रिएटिंग बोटानिकल गार्डन्स, चौथा बाय डेवलपिंग सीड बैंक्स। कम ऑन, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर्स। अगर आपको प्लांट डाइवर्सिटी बचाना है तो आप क्या करना बेहतर मानते हैं? टिश्यू कल्चर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट करेंगे, या फिर बोटानिकल गार्डन बनाएंगे, या फिर आप सीड बैंक्स डेवलप करते हैं? द करेक्ट आंसर गोज टू कुटन भट्ट 22 का बी इज द परफेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व आप बनाओगे ताकि प्लांट डाइवर्सिटी वहां पर अच्छे से फ्लरिश कर सके। आयुषी, यू आर ऑल्सो राइट। अगला सवाल, डाइवर्सिफिकेशन ऑन प्लांट लाइफ अपीयर्ड ड्यू टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस, ड्यू टू अब्रप्ट म्यूटेशंस, म्यूटेशंस मींस अबनॉर्मल चेंज, सडनली ऑन अर्थ, अचानक से धरती पे हो जाना, या बाय सीड डिस्पर्सल, या फिर बीजों के वितरण की वजह से? डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ, पौधों के अंदर जो इतना विकास देखा गया है, इतनी डेवलपमेंट देखी गई है, और साथ ही साथ उनकी जो डाइवर्सिटी भी हम देख रहे हैं, ये किस इसकी वजह क्या है? ए, बी, सी और डी? क्वेश्चन नंबर 23, एंड द करेक्ट आंसर इज, सबसे पहले आप देखो तो प्लांट वॉज थैलस लाइक, हैविंग अ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और हैविंग अ थैलस ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं? एल्गा कहते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इनको हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। थैलोफाइटा में हम एल्गा को भी कंसिडर करते हैं। देन वी हैव ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो अगर इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, मतलब इस प्रजाति से इस प्रजाति में डेवलप करने में कई सौ साल लगे होंगे, हजार साल, लाखों साल लग चुके होंगे, और ब्रायोफाइट से फिर टेरिडोफाइट्स बनने में, जो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स भी कहे जाते हैं, या फिर फर्स्ट सक्सेसफुल वैस्क्यूलर प्लांट्स भी कहे जाते हैं, इस ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट बनने में भी काफी समय लगा होगा। टेरिडोफाइट को जिम्नोस्पर्म बनने में काफी समय लगा होगा, और जिम्नोस्पर्म्स को फिर एंजियोस्पर्म बनने में काफी समय लगा होगा। That happens in a longer course of time. So the correct option is option number A. Due to long periods of evolutionary changes, diversity in plant life is noticed. Option number A is the correct option to this question. Agla sawal, question number 24.
Biodiversity Act of India was passed by the Parliament in the year 1992. Biodiversity Act of India was passed by the Parliament in the year 1992, 1996, 2000 or 2002. And your answer would be, yes, D is the right answer. Biodiversity Act of India was passed in the year 2002. Ye sare sawal beta galat nahi karna hai. Aur ye sab dates yaad rakhna hai. Hai na, jitne bhi pacts hain, jitne bhi protocols hain, jitne bhi signs hain, deeds. Ye sab ke dates nahi bhoolne. According to IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, uski jo red data book hai, what is the status of red panda, jiska scientific name hai Aldrus fulgens? Is it critically endangered? Is it vulnerable? Is it extinct? Or it is an endangered species? Bataiye, according to IUCN red list, what is the status of red panda? Aldrus fulgens iska vaigyanik naam hai. Bataiye, kya hoga sahi jawab? A, B, C or D? Critically endangered species, vulnerable species, extinct species or endangered species? And the correct answer goes to option number D. Aaj red panda is an endangered species. Matlab iski prajati kam ho rahi hai. Extinct matlab jo lupt ho chuke. Vulnerable matlab kabhi bhi gayab ho sakte hain. Critically endangered matlab bahut tezi se inki matra kam ho rahi hai. Understanding? Agla sawal, question number 26. Which of the following is considered a hotspot of biodiversity in India? Bharat mein biodiversity ka hotspot kise kaha jata hai? Aravali Hills ko, Western Ghats ko, Indo-Gangetic Plains ko, ya fir Eastern Ghats ko? A, B, C or D? Saru, Ayushi, Anshu, Nusrat, Kutun, Rinki, Jyoti, bataiye. Which of the following is considered as a hotspot of biodiversity in India? Is it Aravali Hills, Western Ghats, Indo-Gangetic Plain, ya fir Eastern Ghats? Western Ghats are the hotspot in the biodiversity of India. Okay, option number B was the right answer. Bilkul sahi, Momita. Agla sawal hai, which of the following pairs of an organism, of an animal and a plant represents endangered organisms in India? Bharat mein aapko ek janwar aur ek paudhe jo ki endangered hai, unko pehchanna hai. Banyan and black duck, Pentikia nicobarica and red panda, tamarind and rhesus monkey, ya fir cinchona and leopard. Which of the following pairs of animal and plants represents endangered organisms in India? Banyan and black duck, Pentikia nicobarica and red panda, tamarind and rhesus monkey, cinchona and leopard. What is your answer, guys? What is your answer? The correct answer is option number B. Very good. Abhi aapne dekha bhi endangered species. To jo tez hain, wo bilkul sahi pakde hain. Option number B is the right answer. Red panda is endangered. Rhesus monkey endangered nahi hai. Leopard bhi endangered nahi hai. Black duck bhi abhi endangered nahi hai. So endangered kaun hona chahiye tha? Option number B hi correct option tha. Agla sawal, which one of the following is not included under in situ conservation? In mein se kaun include nahi hota in situ conservation mein? National park, sanctuary, botanical garden or biosphere reserve? Bataen. Which one of the following is not included under in situ conservation? In situ conservation mein inme se kaun include nahi hote? National park, sanctuary, botanical garden or biosphere reserve? A, B, C or D? The correct answer would be C is the right answer. Botanical garden. Inme se jo in situ mein nahi include hota wo hai botanical garden. Otherwise sanctuary, national park and biosphere reserve, they all are the examples of in situ conservation. ठीक है ना, ये एक सितु है, botanical gardens. अगला सवाल, question number 29. Which one of the following is a correctly matched pair of an endangered animal and a national park? National park और उसके endangered animal की correct पहचान आपको करनी है. Great Indian Bustard, Keoladeo National Park, Lion Corbett National Park, Rhinoceros Kaziranga National Park या फिर Wild Ass Dudhwa National Park? बताइए. Which one of the following is the correctly matched pair of an endangered animal and a national park? Correctly matched pair inme se kaun sa dikh raha hai aapko? Pehle agar geography wagera dhang se padha hoga, history wagera padha hoga, 5, 6, 7 mein,
तब भी आधी चीजें आपको बताऊंगी, या फिर एनसीईआरटी भी अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये सब सारे सवाल आप कर पाओगे. रिमेंबर एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया इज डिसाइडेड बाय योर एनसीईआरटी. मतलब सारे एनसीईआरटी को छोड़ के कहीं से कुछ नहीं पूछा जाता. बट यही है कि एनसीईआरटी को प्रॉपर समझने के लिए आपको कई सारे रेफरेंस बुक का, मेंटर्स का, फैकल्टीज का आपको जरूरत पड़ता है. तो अगर आपको लगता है कि कहीं से आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी है तो आपको अड्डा 24/7 जल्दी से अड्डा 24/7 आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है एंड फिर टीचिंग का महापैक जल्दी से परचेज कर लेना है, ताकि इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर HTET और एनी अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस लाइक DSSSB, UPTGT, PGT, NVS, KVS, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए. कैसे होगा वो प्रिपरेशन बताता हूं. पहले ये आखिरी सवाल करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इनमें से वो कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा एनुअल मतलब सालाना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है. इज इट ट्रॉपिकल डेसीडुअस, इज इट टेम्परेट एवरग्रीन, या फिर टेम्परेट डेसीडुअस, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ABC or D. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज the highest annual net primary productivity? Tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate deciduous forest or tropical rainforest? And the correct option goes to tropical rainforest. यही सवाल को घुमा फिरा के थोड़े देर पहले भी पूछा गया था. If you remember, option number D is the right answer. कल के लिए अब क्या आपकी टॉपिक रहेगी वो मैं बता देता हूं, ताकि लाइफ टेस्ट 2 की प्रिपरेशन आप अच्छे से करके आओ. तो कल के लिए आपकी टॉपिक रहेगी, कौन सी टॉपिक करना चाहोगे? कल केमिस्ट्री करना है या बायो करना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कल केमिस्ट्री करना है या बायो करना है? तो अगर आपकी प्रिपरेशन देखो स्टार्ट आपने नहीं करी है, आप पेपर यूट्यूब पे देने आ रहे हो, टेस्ट में पार्टिसिपेट करने आ रहे हो, लेकिन कहाँ से करें, क्या कर लें, तब क्या ही करने से होगा, उसके लिए आपको टीचर्स अड्डा YouTube चैनल पे तो आके इन शो में पार्टिसिपेट करना ही है. साथ ही साथ अपने कंटेंट को बूस्ट करने के लिए आप अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करें, वहां स्टोर पे आए, स्टोर पे टीचिंग डिपार्टमेंट में टीचिंग का महापैक आज ही परचेज कर लें बाय अप्लाइंग द कूपन कोड Y223. इस कूपन कोड को इस्तेमाल करते ही 14,999 की जो टीचिंग का महापैक आता है वो आपको मात्र इतने में मिल जाएगा. इसमें क्या क्या मिलेगा सर? इसमें आपको मिल जाता है, महापैक में आपको मिल जाती है पूरी PGT बायोलॉजी HTET के लिए, आपको TGT साइंस भी मिल जाती है फॉर TGT लेवल स्टूडेंट्स, आपको PGT केमिस्ट्री भी मिल जाती है, और साथ ही साथ वो पुराने बैचेस भी मिल जाते हैं जो कि आपके KVS, NVS और UPTGT PGT के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर कंटेंट की तैयारी के लिए आज ही एनरोलमेंट कराएं टीचिंग टीचर्स का महापैक में, और अपनी तैयारी आज से शुरू करें. पिछले दो दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं बिकॉज आई एम फिजिकली वेरी इल ड्यू टू फीवर एंड वॉमिटिंग्स, बट आई विल बी बैक अगेन फ्रॉम टुमारो. तो कल सुबह सुबह मैं क्लासेस लेने वाला हूँ. तो कल 11 बजे और 12 बजे वाली जो आपकी पेड क्लासेस हैं वो कल सुबह में ही मैंने अलाइन कराया है, बिकॉज इन द आफ्टरनून आई हैव टू गो फॉर सम टेस्ट्स. बट यस, टुमारो योर पेड क्लासेस विल हैपन. तो PGT केमिस्ट्री की और PGT बायोलॉजी की कल बैच पेड में हो रही है. दिस इज एन इंफॉर्मेशन टू द पेड स्टूडेंट्स, अगर आप परेशान कहीं से हैं तो. मुझे उम्मीद है आज के इस सेशन में आपको मजा आया होगा, लेकिन कल के सेशन के लिए होमवर्क आप जरूर लेते जाएं. कल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन केमिस्ट्री. यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रिपेयर करके रखिएगा. आई विल बी टेकिंग द लाइव टेस्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम टुमारो राइट एट 7 PM इन द इवनिंग. इफ यू एंजॉय द सेशन, डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन सो दैट पीपल हु आर लुकिंग फॉर देयर प्रिपरेशन गेट अ additional help by these sessions. Take care of yourself. Kal fir mulaqat hogi in paid classes and your YouTube sessions. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.